जी बिस्मिल वेलकम बैक टू एकेडमी आई एम अकेडम आई रहमान और नाइन क्लास की बायोलॉजी के अंदर हमने चैप्टर नंबर एट, जिसका नाम न्यूट्रिशन है वो स्टार्ट किया हुआ है और तीन लेक्स हमने उसके पढ़ लिए आज हमारा फोर्थ लेक्चर है उसके ऊपर एट जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ा न्यूट्रिशन का कि न्यूट्रिशन क्या है न्यूट्रिय क्या है प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होती है और रोल ऑफ नाइट्रोजन और मैग्नीशियम डिस्कस किया सेकंड लेक्चर में 8.2 में फर्टिलाइजर्स को डिस्कस किया कि फर्टिलाइजर्स कैसे सॉयल uh, की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में अपना रोल प्ले करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स को डिस्कस किया और नंबर थ्री जो हमारा लेक्चर था 8.3 उसमें हमने हैजर्ड्स ऑफ एनवायरमेंटल हैजर्ड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स को डिस्कस किया कि फर्टिलाइजर्स के क्या ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो कि एनवायरमेंट के ऊपर होंगे अगर हम उसका एक्सेसिव यूज करते हैं तो अब जो हमारा ये जो पोर्शन था हमारा ये जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था और जो प्लांट पोर्शन था चैप्टर का वो खत्म हो गया अब इसके बाद आगे हम जितनी भी बात करेंगे वो सारी रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स हैं पहले हम अपने इंसान के खाने के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि हमारी फूड के कितने कंपोनेंट्स हैं फिर हम पानी का रोल देखेंगे, फाइबर का रोल देखेंगे एक दो और रिलेटेड और फिर हम डाइजेस्ट सिस्टम से पढ़ेंगे कि कैसे है, स्टमक में कैसे है इंटेस्टाइन में कैसे है और फिर डायजेस्टिव uh, सिस्टम से चैप्टर को खत्म करेंगे तो जो चैप्टर है अब आगे ऑनवर्ड सारा ह्यूमन रिलेटेड स्टार्ट होने लगा टॉपिक तो आज इंसानों से रिलेटेड पहला टॉपिक स्टार्ट होने लगा इज ट्स हैं उनमें से तीन कंपोनेट्स ऐसे हैं जो हमें एनर्जी देते हैं और तीन कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो हमें एनर्जी नहीं देते हैं. मतलब ये खाने के कम्पोनेंट्स का मतलब यह है कि आपने घर में चिकन कौरमा पका के साथ में रोटी खाई तो वो जो तो रोटी और आपने चिकन कोरमा खाया है तो उसके अंदर क्या क्या कुछ था ये हम पढ़ने लगे कंपोनेट क्या थे उसके अंदर हमें तो लग रहा है ना कि हम रोटी खा रहे हैं या आ, सालन खा रहे हैं लेकिन उसके अंदर बहुत सारी केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिनसे एनर्जी मिलती है वो उस खाने के अंदर मौजूद है तो वो हम पढ़ने लगे छह ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स हैं इंसान के फूड के तीन ऐसे हैं जिनसे एनर्जी मिलती है तीन ऐसे हैं जिनसे एनर्जी नहीं मिलती वो तीन जिनसे एनर्जी मिलती है इनका नाम आपने बार बार सुना हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड लिपिड्स ये तीन कंपोनेट्स ऐसे हैं जो एनर्जी गिविंग है जब टूटेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी और एनर्जी से हम अपने रोजमर्रा के काम करेंगे और हमारी बॉडी चलेगी तीन कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के लिए अशद अच्छा जरूरी है बेतहा जरूरी है लेकिन उनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती वो तीन है वाटर पानी पानी पीने से एनर्जी नहीं मिलती मिनरल्स एंड नंबर थ्री वाइटमिनस ये मिनरल्स का नाम भी आपने सुना हुआ है वाइटमिनस का नाम भी आपने सुना हुआ है डिटेल में हम आगे इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे तो तीन कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनसे एनर्जी मिल रही है कार्बोडेंट्स प्रोटीन लिपिड्स और तीन ऐसे हैं जिनसे एनर्जी नहीं मिल रही वाटर मिनरल्स एंड वाइटमिन तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से दे आर कॉमनली कॉल्ड शुगर्स जब भी आप शुगर का वर्ड सुनते हैं चीनी का नाम सुनते हैं तो ये सारे जो हैं ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं चाहे वो खाने वाली चीनी हो जो आप चाय में डाल के पीते हैं चाहे वो फ्रूट्स की चीनी हो चाहे वो किसी खीर में कस्टर्ड में चीनी हो ये सारी जो हैं ये सारी शुगर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब जरूरी नहीं है कि वो मीठे ही हो कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं जो कि टेस्टलेस हैं जिनका कोई जिनका कोई जो है ना वो आ, जो स्वीट नहीं है तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की जो डिटेल है कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्लासिफिकेशन है मोनोसेक्राइड्स क्या है ओलिगो क्या है पोली क्या है ये आगे डिटेल में हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे अभी आपकी बुक में बड़ी लिमिटेड सी नॉलेज लिखी है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में तो जो बात लिखी है मैं कोशिश करूंगा कि मैं टू द पॉइंट बुक पे ही रहूं और आगे इधर उधर ना जाऊं और जो बात लिखी है उसको एक्सप्लेन कर दूं तो जो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में लिखा है जी कहता है द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल एनिमल्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एनर्जी के लिए सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट है यानी अगर हम कोई खाना खाते हैं तो उस खाने का हंड्रेड अगर हमने खाना खाया तो सेवेंटी उसका कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं 50 टू 75 परसेंट ऑफ द एनर्जी जो हमें खाने से मिल रही है वो असल में कार्बोहाइड्रेट से मिल रही होती है तो हमारी फूड का बड़ा बेसिक कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट और हमारी एनर्जी हमारे लिए एनर्जी सोर्स है सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में है उनके लिए एनर्जी सोर्स है उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर एनिमल्स। सेकेंड बात में डेली कैलोरीज आर प्रोवाइडेड कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ये है कि जितनी भी क्या है? है कि हम कितना खाना खा रहे हैं जो हमने खाना खाया उसमें कितनी एनर्जी थी तो जो टोटल डेली की हमें कैलोरी चाहिए जितनी हमें एनर्जी चाहिए उसमें से आधी से लेके टू थर्ड यानी सेवेंटी आधा हो गया फिफ्टी एंड टू थर्ड हो गया यानी दो तिहाई दो तिहाई का मतलब हो गया सेवेंटी फाइव परसेंट फिफ्टी परसेंट से सेवेंटी परसेंट हमारे सेवेंटी फाइव परसेंट जो हमारी डेली कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो कार्बोहाइड्रेट से पूरी हो रही है तो हमारे लिए एनर्जी सोर्स है और हमें जो कैलोरीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट उनमें से कौन है यानी प्रोटीन्स और लिपिड्स में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारी प्रोवाइड कर रहा है लेस का पैकेट तो उसके पीछे ना उन्होंने पूरा कैलोरी चार्ट दिया होता है उसमें लिखा होता है कि इसके अंदर प्रोटीन कितने ग्राम है लिपिड्स कितने ग्राम है आ, शुगर कार्बोहाइड्रेट कितने ग्राम है तो उसको पढ़ा करें उसके साथ ना आगे ग्राम के साथ आगे कैलोरीज भी लिखी होती हैं जो कि के ल के शक्ल में लिखी होती है किलो कैलोरीज की फॉर्म में लिखी होती है तो उसको देखा करेंगे हमारे फूड में जो हम खा रहे हैं उसमें कितनी कैलरीज हैं तो और हमें डेली रिक्वायरमेंट कैलोरीज कितनी चाहिए ये सारी बातें आगे आएंगी जब हम बैलेंस डाइट का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हमें जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट चाहिए पर डे उसमें से मेजॉरिटी पोर्शन हमारी कैलोरीज का कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट से इसका मतलब एनर्जी मिल रही है कितनी एनर्जी मिल रही है एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने से फोर किलो कैलोरीज एनर्जी मिल रही है वन ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब टूटेगा तो हमें फोर किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगी किलो का मतलब होता है है टू यानी लगा दें तो किलो कैलोरी का मतलब कैलोरीज पर ग्राम एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट के टूटने से चार हजार कैलरीज मिलेंगी कार्बोहाइड्रेट्स कॉन्टेन फोर किलो कैलोरीज पर ग्राम तो जब हम एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे तो हमें फोर किलो कैलोरीज मिलेंगी ठीक है कितनी एनर्जी मिलेगी फोर किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगी फोर्थ पॉइंट में सबसे बात लिखी कॉमनली तो हम इस्तेमाल करते हैं कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज है खाने में जो हम इस्तेमाल करते, है। करते हैं वो इस्तेमाल कार्बोहाइड्रेट हैं लाइक स्टार्च ग्लाइकोजन और जो हम चीनी डाल के खाते हैं वो असल में सुक्रोज है ग्लूकोज नहीं है लेकिन हम बॉडी में कुछ भी खाएं चाहे हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट इनटेक करें या हम प्रोटीन इंटेक करें या हम लिपिड इंटेक करें वो पहले ब्रेक डाउन होगी इंटू ग्लूकोज और फिर ग्लूकोज के टूटने से हमें एनर्जी मिलेगी जिस तरीके से चैप्टर नंबर सेवन में बायोजेटिक्स में आप डिटेल से पढ़ा है कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेकडाउन तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ग्लूकोज इज कॉल्ड तो जो आप पहला स्टेप करते हो एनर्जी में ब्रेकडाउन में एरोबिक रेस्पिरेशन में वो ग्लूको से ही स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब जितनी एनर्जी हमें बॉडी में मिलनी है एरोबिक रेस्पिरेशन से उसका स्टार्ट किससे होना है ग्लूकोज से तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी बॉडी यूज करेगी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वो कौन है ग्लूकोज तो क्या पॉइंट हो गए बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी एनर्जी फिर एनर्जी फिर एनर्जी ठीक है तो एनर्जी का सोर्स है डेली कैलोरीज में हाफ टू थर्ड जो है वो डेली कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से पूरी हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स के एक ग्राम के अंदर फोर किलो कैलोरीज एनर्जी सेव है और इससे हमें जब हम उसमें सेव है तो जब हम उसको तोड़ेंगे तो उस हमें फोर किलो कैलिस एनर्जी पर ग्राम मिलेगी एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है, है जिसका नाम हमने कभी भी नहीं भूलना और ये आप लोग पहले भी पढ़ते रहे हो ग्लूकोज इसका फॉर्मला है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ग्लूकोज इज द मोस्ट ऑफन यूज कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कार्बोहाइड्रेट है, है वो ग्लूकोज है ठीक है अब हमने जितने भी कंपोनेंट्स पढ़ने हैं उसमें हमने ये पढ़ना है कि इन कंपोनेंट्स का हमारी बॉडी में फायदा क्या है इंपॉर्टेंस क्या है यूज क्या है हमें क्या फंक्शन करके देंगे हमारी बॉडी के अंदर दूसरा ये पढ़ना है इनसे एनर्जी निकलती है कि नहीं निकलती अगर एनर्जी निकलती है तो कितनी निकलती है और नंबर थ्री हमने ये पढ़ना है कि ये सोर्सेज क्या हैं इनके यानी अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स खाना चाहते हैं तो मैं क्या खाऊं यानी अगर मैंने किसी को बताना है बींग डॉक्टर के यार आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाओ या प्रोटीन ज्यादा खाओ अब मैं उसको ये तो नहीं कह सकता कि ईट प्रोटीन्स मुझे उसको बताना पड़ेगा ना यार कि तुम अंडा खाओ गोश्त खाओ मुझे खाने की कोई चीज का नाम देना पड़ेगा तो हमने सोर्स भी पढ़ने हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन लिपिड सारी चीजें किन सोर्स से मिलेंगी किन चीजों से मिलेंगी तो जो नेक्स्ट है हमारा वो सोर्सेज को पहले डिस्कस कर लेते हैं सोर्सेस क्या है हमें ये कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलेंगे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे ब्रेड से ब्रेड का मतलब डबल रोटी अब इसमें डबल रोटी भी आ जाएगी रोटी भी आ जाएगी खमेरी रोटी भी आ जाएगी नान भी आ जाएगा जो जो भी आपके जितनी भी तरह की रोटियां हैं सारी आ जाएंगी इसमें पूड़ियाँ भी आ जाएंगी पठूरे भी आ जाएंगे सारे आ जाएंगे ठीक है पास्ताज अभी जो पास्ताज है इसमें भी सब कुछ आ जाएगा इसमें आपकी जो है सिवैया वो भी आ जाएंगी जो नूडल्स हैं वो भी आ जाएंगी सब पैकेट भी आ जाएगी सारे आ जाएंगे दो इस तरह के जो है ना ये हमारे पासतास टाइप चीजें बीन्स मतलब लोबिया एंड पोटेटो आलू आलूओं के अंदर जो है ना वो स्टार्ट स्टोर होती है कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है तो आलू को जब हम काटते हैं उसमें येलो येलो में नजर आ रहा है वो तो समझो सारा कार्बोहाइड्रेट है तो हम जो फ्राइज खाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं ब्रान ब्राउन के होता अक्सर आपने सुना होगा कि ये जो है ना अक्सर सुना होगा ब्राउन ब्रेड ले आओ ब्राउन ब्रेड वो जो ब्राउन ब्रेड है ना वो असल में ब्राउन कलर की होती है लेकिन वो उसका असल में नाम जो है ना वो ब्रॉन है ब्रॉन ठीक है तो ब्रॉन से हमने जो है ना उसको ब्राउन कर दिया और वो हो गया असल में जो गंदुम है गंदुम में से अगर उसके जो निकाल लिए जाए उसके दाने निकाल लिए जाए पीछे जो भूसा बचता है उसको क्रश किया जाए और उसको उसकी डबल रोटी बनाई जाए तो वो ब्राउन ब्लड करती है इसमें जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स एज कम्पेयर टू नॉर्मल ब्रेड कम होते हैं इसमें शुगर्स एज कम्पेयर टू नॉर्मल ब्रेड कम होती है लेकिन होती है तो ब्रॉन भी जो है ना वो भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है राइस चावल चावल आपको पता है तो ये जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें है ना जितनी ज्यादा खाओगे ना बंदा मोटा होगा चावल ज्यादा खाओगे कार्बोहाइड्रेट्स हैं एनर्जी मिलेगी एक्स्ट्रा बाकी के स्टोर होते जाएंगे बॉडी में बंदा फैट होता जाएगा चावल खाने से आलू खाने से रोटी खाने से तो नहीं इतना होता लेकिन नान छाने अगर बंदा ज्यादा खाता है उसके तो ये ये सारी चीजें जो है ना आपको मोटा करती है लेकिन ये बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है और एक हद तक अगर दाल में रख के खाई जाए तो कोई टेंशन नहीं है और लास्ट है सीरियल सीरियल्स में ना आपके ये सारे जौ गंदम बाजरा और जो इस तरह की चीजें यहाँ सारी सीरियल में आ जाती है तो क्या सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के हमें ब्रेड से मिलेगा पास्ता से बीन से पोटेटो से ब्रॉन से राइस से और सीरियल से ये सोर्सिस एग्जाम्पल्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल्स क्या है जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है ना मोस्टली उनके एंड पे लगता है ओज जिस तरह एंजाइम्स के एंड पे लगता था एज एमाइलेज प्रोटीएज ठीक है एंजाइम के एंड पे क्या लगता है एज उस तरह से ग्लूकोज ओज एंड पे शुगर्स के एंड पे क्या लगता है ओज तो कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई है फ्रुक्टोस सुक्रोज माल्टोस लैक्टोस स्टार्च और ग्लाइकोजन अब ये इनके एंड में क्यों नहीं ओज है इनकी भी एक रीजन है वो फर्स्ट में बताऊंगा फ्रुक्टोस ज्यादातर तो फ्रूट से मिलती है सुक्रोज ये कॉमन चीनी है हम जो खाते हैं जो हम शुगर खाते हैं ये कॉमन ये सुक्रोज है ग्लूकोस और फ्रुक्टोज के मिलने से सुक्रोज बनती है माल्टोस ये भी फ्रूट्स में मिलती है हमें माल्टोस दो ग्लूकोज के मिलने से बनती है याद रह जाए तो ठीक है ना याद रहे कोई बात नहीं लैक्टोज ये दूध में होती है तभी वो हमारे बच्चों को दूध उसका नाम होता है लेकोजन है ना तो लैक्टोज दूध से मिलती है और ये ग्लूकोज और ग्लेक्टोज के मिलने से बनती है याद रह जाए ठीक है ना याद रहे इट्स ओके जो बड़ी बड़ी कार्बोहाइड्रेट्स हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके दो एग्जांपल लिखी है स्टार्च और ग्लाइकोजन ये है सिंपल शुगर्स ये छोटी छोटी हैं ये बड़ी बड़ी स्टार्च एंड ग्लाइकोजन तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप याद कर लें एनर्जी का सोर्स है फोर किलो कैलरीज एनर्जी पर ग्राम मिलती है बहुत सबसे कॉमनली जो हम ग्लूकोज को ही तोड़ते हैं और एनर्जी हासिल करते हैं ये इसकी एग्जाम्पल्स आई है इसके सोर्सेज है तो ये थे कार्बोहाइड्रेट्स नेक्स्ट चलते हैं प्रोटीन्स पे प्रोटीन्स का वर्ड जब भी आए तो आपको गोश्त मसल्स इस तरह की बातें याद आनी चाहिए जो प्रोटीन्स हैं वो किससे मिलके बनी है प्रोटीन्स छोटे छोटे सब यूनिट्स से मिलके बनी है जिन छोटे छोटे सब यूनिट्स का नाम है अमाइनो एसिड्स कुछ लोग इसको अमीनो एसिड्स भी कहते हैं आपकी मर्जी है जो मर्जी कह लें अमाइनो एसिड्स क्या हैं अमाइनो एसिड्स एक तो नाम से जाहिर हो रहा है कि एसिड है अमाइनो एसिड्स ऐसे एसिड्स हैं जिनके पास अमाइनो ग्रुप होता है कौन सा ग्रुप होता है अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप इनका जनरल फॉर्मूला क्या है ये कैसे होते हैं कैसे जुड़ते हैं कैसे प्रोटीन्स बनाते हैं ये सारी बातें अगेन बड़े होकर पता चलेंगी चैप्टर नंबर टू के अंदर जो कि फर्स्ट ईयर का है ठीक है तो फर्स्ट ईयर की बुक में ये सारी बातें लिखी हुई अभी फिलहाल जब जस्ट इतनी बात याद रखनी है कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसड्स छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं छोटी छोटी ईंटें हैं जिनके मिलने से प्रोटीन बनेगी वो जो तो छोटी ईंटें हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं कंपोज ऑफ अमाइनो एसिड्स क्या यूजेज हैं बॉडी में क्या क्या किरदार अदा करेगी प्रोटीन्स क्या फंक्शन करेंगी हमारी बॉडी के अंदर लेकिन पहले उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि इसके सोर्सेस क्या है हमें कहां से मिलेंगी प्रुटीन्स? तो मैंने आपको बताया जैसे ही प्रोटीन का नाम है, आपके में क्या आ जाना चाहिए गोश्त तो आपको प्रोटीन कहां से मिलेंगी गोश्त से और दूसरी दालों से तो सबसे इंपॉर्टेंट जो गो, जो प्रोटीन है ना वो गोश्त में और दालों में अब गोश्त में चाहे मटन हो चाहे बीफ हो चाहे चिकन हो चाहे फिश हो सारे गोश्तों से हमें जो है ना वो प्रोटीन्स मिलेंगी इसी तरीके से जो दालें हैं चाहे वो कोई भी हो चाहे आपको पसंद आए नहीं पसंद आए पीली वाली लाल वाली जो आपने नाम रखा है दाल का क्योंकि सही वाले नाम तो हमें आते नहीं होते वो जो दालें हैं सारी वो भी प्रोटीन वो भी हमें दे रही लेग्यूम्स जो ये फलीदार इस तरह मटर फलियां ये भी सारे हमें दे रहे दाले हैं दालें भी सारी इसमें इंक्लूड कर लें ग्रेन्स जिस तरह ये जौ जई अच्छा अब आप ये समझें कि अब अक्सर हम समझते हैं कि यानी मतलब जो सोर्स हमने समझ लिया कि यार इस चीज का ये सोर्स है यानी ये कि हमने कह दिया कि जी, जी जो है ना सीरील से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिले अब इसका मतलब ये नहीं है कि उस सीरीज के अंदर हंड्रेड परसेंट ही हैं उसके अंदर और लिपिड्स नहीं है उनके प्रोटीन्स और लिपिड्स भी होंगे थोड़े बहुत ज्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स है ठीक है जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि मीट की अब मीट में तो सारी प्रोटीन्स है लेकिन जिस तरह हम बात करेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की डेयरी प्रोडक्ट्स में भी जो है ना प्रोटीन्स है यानी मिल्क में अब मिल्क में लैक्टोज नहीं था मैंने बताया आपको लैक्टोज मिल्क में कार्बोहाइड्रेट भी है मिल्क में फैट भी है ठीक है उसके ऊपर बलाई नहीं आ जाती सारी पूजा उतारते हैं दूध के ऊपर से वो सारा क्या है फैट है चिकनाई है उसी से आप देसी घी बना लेते हैं तो इसका मतलब यह कि मिल्क के अंदर लिपिड यानी हम जो सोर्स पढ़ रहे हैं उसमें ये नहीं समझ लेना की जो ये चीज है इसमें से सिर्फ यही मिलेगा नहीं उसमें बाकी कंपोनेंट्स भी मिल सकते हैं आपको ठीक है बाकी कंपोनेंट्स भी मिल सकते हैं तो मीट गोश्त एग्स अंडा अंडे की जो सफेदी है ना वो प्रोटीन है जो अंदर जो जर्दी है येलो कलर का पार्ट है वो जो है ना एग एग्जोक कहलाती है वो जो एग एग्जोक है वो फुल ऑफ कोलेस्ट्रोल है उसमें लिपिड्स हैं तो उसको वो प्रोटीन नहीं है मगर सर आपने कहा था तो प्रोटीन खाएं एग्स खाएं तो हम अंडे खाई जा रहे हैं इतने कोलेस्ट्रोल इंटेक नहीं करना आप खाली सफेदी खा सकते हैं अंडे उबाल के मीट एग्स ग्रेन्स लेग्यूम्स और डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि मिल्क और चीज है ठीक है अब ये क्या हमें रोल प्ले करके देगा प्रोटीन एक तो मैंने बताया कि तीन कम्पोनेंट्स हैं फूड के ऐसे जो कि हमें एनर्जी देते हैं तो उनमें प्रोटीन का भी नाम था तो प्रोटीन्स भी हम एनर्जी देते हैं कितनी देते हैं जितनी कार्बोहाइड्रेट देते हैं

हमारी बॉडी में मसल्स हैं मसल्स काम कर रहे हैं लेकिन स्ट्रक्चर भी तो बना रहे हैं ना बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं मसल्स किससे मिलकर बनी है प्रोटीन से इसी तरीके से सेल है सेल का सबसे बेसिक कंपोनेंट है सेल की मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा चैप्टर फोर में सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स हैं कि नहीं आपने पढ़ा चैप्टर नंबर में एंजाइम्स एंजाइम्स ऑल प्रोटीन इन नेचर सारे के सारे जो रिएक्शन हो रहे हैं वो एंजाइम्स करा रहे हैं और सारे के सारे एंजाइम्स इसका मतलब यह है कि प्रोटीन्स के फंशन बहुत ज्यादा है हमारी बॉडी के अंदर और बहुत ज्यादा किरदार है क्या क्या, क्या किरदार है नंबर वन पहली बात आ जाए प्रोटीन्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ किन किन चीजों के कंपोनेंट्स हैं नंबर वन साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स मौजूद हैं जो कि डिफरेंट काम कर रही हैं कुछ चीज ट्रांसपोर्ट कर रही हैं इधर से उधर साइटोप्लाज्म में लेके जा रही हैं या तोड़ के टूट के एनर्जी दे रही हैं

मसल्स को हड्डियों के साथ लगाने वाला जो स्ट्रक्चर है कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज कॉल्ड मसल्स को बोन के साथ जो कनेक्टिव टिश्यू अटैच कर रहा है वो भी प्रोटीन्स है इन प्रोटीन्स का नाम है टेंडन कनेक्टिव टिश्यू का नाम आपने चैप्टर नंबर फोर में जब टिश्यू पढ़ा वहां पर डिस्कस किया था वहां पर दोनों एग्जाम्पल्स भी आई थी टेंडेंस और लिगामेंट्स में दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं जो टेंडेंस दे अटैच मसल टू बोन ये मसल को बोन के साथ लगाते हैं अगर आप अपनी बाजू को ऐसे फ्लेक्स करें ऐसे रखें

और जो बोन को बोन से जोड़ रहे हैं आपस में वो कौन है टेंडेंस यानी जिस तरह मैंने यहां से हाथ मारा ऊपर तो मेरी ये हड्डी एल्बो ज्वाइंट था यहां से हड्डी के नीचे तो नहीं चली गई यहां पे हाथ मारा तो ये वाली तो नीचे नहीं चली गई ज्वाइंट स्टेबल रहा इसका मतलब यह हड्डियों को यहां पर किसी ने जकड़ा हुआ पकड़ा हुआ वो जो टिश्यू है जिसने इस हड्डियों को आपस में पकड़ा हुआ है उनको बोलते हैं लिगमेंट्स तो जो लिगमेंट्स है ये तो क्या क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स बना रही है प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर दे आर दे असेंशियल साइटोप्लाज देर मेम्रेन इंपोर्टेंट कॉम्पोनेट ऑर्गेलिस

असल में क्या है प्रोटीन्स तो प्रोटीन्स अगर ना हो तो ना तो हमारी बॉडी में कोई एनर्जी मिलेगी ना हमारी बॉडी में एंजाइम्स काम करेंगे ना मेटाबॉलिज्म चलेगा ना ग्रोथ होगी ना इन्हीं में से किसी चीज का स्ट्रक्चर बनेगा ना साइटोप्लाज्म में कोई प्रोटीन रहेगी ना मसल्स बनेंगे टेंडन लिगामेंट तो प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आर डेली रिक्वायरमेंट और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग वेट लॉस करें जो कि बहुत सारे लोग चाह रहे होते हैं जब जो मेरी तरह मोटे होते हैं तो वो चाह रहे होते हैं कि वेट लॉस करें तो आप क्या करें आप कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी लाइफ में से कट करें और प्रोटीन्स के इनटेक को बढ़ाएं प्रोटीन इनटेक का मतलब यह है कि आपको सर गोश्त खाना है तो गोश्त खाने का मतलब यह नहीं है कि आप सुबह दोपहर शाम गोश्त खाना शुरू हो जाए रोज जो है ना वो तली हुई मछली ला के फ्राइड फिश खा रहे हैं वो फ्राइड फिश में ऑयल भी जा रहा अंदर प्रोटीन खाने का मतलब है बॉइल्ड खाएं बॉइल्ड चिकन खाएं बॉइल्ड एग्स खाएं बॉइल्ड चीजें खाएं ताकि आप में कोलेस्ट्रोल का इंटेक और लिपिड का इंटेक कम जाए प्रोटीन इंटेक ज्यादा जाए तो ये चीजें और देखो दालें दे आर प्रोटीन्स हमारे घर वाले हमें कहते रहते हैं कि भाई दालें खा लो लेकिन हम कहते हैं नहीं हम तो पापड़ ही खाएंगे हम तो लेज ही खाएंगे हम तो ये गंदी चीजें खाएंगे जो कि बिल्कुल भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है तो प्रोटीन्स ये सारी प्रोटीन्स होगी अब नेक्स्ट हम चलते हैं लिपिड्स के ऊपर जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है फूड का जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है दैट आर कॉल्ड लिपिड्स जो लिपिड्स हैं जब भी लिपिड्स का वर्ड जेन में आएगा तो आपको चिकनाई तेल ऑयल घी ये सारी चीजें याद आ जानी चाहिए कोलेस्ट्रोल ये सारी बातें तो जो लिपिड्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ ये किस चीज से मिलके बनते हैं जिस तरह ये एसिड से मिलके बनते थे लिपिड्स आर फैट्स दे आर मेड अपॉर्मला क्या है पहले था अमाइनो एसिड बस यहां पर क्या है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल दो चीजें ठीक है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल दो चीजें हैं जो कि लिपिड्स बनाने में रोल प्ले करेंगी एक फैटी एसिड और दूसरा ग्लिस्रो ग्लिसरोल क्या है ये अगेन हमारे अभी फिलहाल स्कोप से बाहर है बात हो तो ग्लिस्ल फैटिस पर हमें नाम याद करना है कि हमारे जो फैट्स हैं जो लिपिड्स हैं वो इन दो कंपोनेंट्स के मिलने से बनते हैं एक फैटी एसिड्स और दूसरा आ, ग्लिस्टरोल अब जो फैट्स हैं अगेन पहले हम जो है ना वो उनके सोर्सेज पे आ जाते हैं कि सोर्स क्या है जिनसे हमें फैट्स मिलते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम खाएंगे तो असल में हमें फैट्स मिल रहे होंगे हमें लिपिड्स मिल रहे होंगे तो क्या सोसेज हैं दूध से मिलते हैं मैंने बताया अभी दूध में कि दूध में कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं दूध में प्रोटीन्स भी हैं दूध में लिपिड्स भी हैं दूध जो है ना वो मिल्क

मटन मतलब छोटे बकरे का गोश्त एग्स अंडों में प्रोटीन थी ना देखो लिपिड्स भी हैं योगर्ट दही में ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं आलमंड वॉलट जितने भी आप लोग खाते हैं उनमें से ऑयल निकलता है आलमंड ऑयल सारी चीजों से ऑयल निकलता है जितने भी हैं इनके अंदर भी लिपिड्स हैं मस्टर्ड सीड्स मस्टर्ड बोलते हैं सरसों को जो ये सरसों का साग होता है मस्टर्ड सीड्स का मतलब यह है कि आप मस्टर्ड ऑयल नहीं लेते सरसों का तेल तो मस्टर्ड के अंदर भी जो है ना वो लिपिड्स मौजूद है तो किन किन चीजों के अंदर लिपिड सोर्स में आप याद रखोगे दूध में बटर में चीज में कोकोनट में योगर्ट में दूध दही इकट्ठा कर लें और अंडे गोश्त मछली इकट्ठा कर लें और बटर और चीज को इकट्ठा कर लें और ड्राई फ्रूट्स और मस्टर्ड चीज को इकट्ठा कर लें तो ये इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा कि ये सोसेज हैं अब जो लिपिड्स हैं दे आर मेड अब ऑफ फैटी एसिड्स अब जो फैटी एसिड्स हैं वो दो तरह के हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी और पेपर के लिहाज से भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और एमसीक्यूज के लिहाज से भी फैटी एसिड दो तरह के कितनी तरह के हैं फैटी एसिड्स आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड फैटी एसिड्स दो तरह के फैटी एसिड्स हैं एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और एक है फैटी एसिड्स अब इनमें क्या डिफरेंस है इनमें फर्क ये है कि जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनमें मैं उनका सही वाला स्ट्रक्चर तो नहीं ड्रॉ कर रहा लेकिन जस्ट जस आपको शो कर देता हूँ कि जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनमें सारे कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होंगे सारे कार्बन के दरम्यान सिंगल बॉन्ड होंगे और बाकी के जो बॉन्ड्स बचेंगे क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है और जो बाकी के बॉन्ड्स बचेंगे वो हाइड्रोजन लग के पूरे हो जाएंगे लेकिन सारे के सारे बॉन्ड जो कार्बन कार्बन होंगे वो किस में होंगे सिंगल बॉन्ड होंगे ऑल ऑफ देयर कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम्स सारे कार्बन एटम्स हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड हुए हुए और आपस में कोई भी डबल बॉन्ड में नहीं है देयर आर नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं है लेकिन अगर हम unsaturated fatty acids की बात करें तो वो कहता है some of their carbon atoms, कुछ carbon atoms उनके सारों में से डबल बॉन्डेड है हाइड्रोजन एटम्स की जगह यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं यहां पर जगह है तो एक कार्बन था ये एक कार्बन था ये एक कार्बन था ये एक कार्बन था ये ठीक है अब अगर मैंने इस कार्बन ये एसिड का फॉर्मुला नहीं है लेकिन जैसे ही चस्ट चार कार्बन चार चार बॉन्ड जो है ना पूरे कर देता हूँ कार्बन के ये देखो ये देखो इसके चार बॉन्ड चार चार हाइड्रोजन लगा दी हाइड्रोजन लगा दी अच्छा अब कहता है सम ऑफ देयर कार्बन एटम्स आर डबल बॉन्डेड कुछ कार्बन एटम्स ऐसे होंगे जो डबल बॉन्डेड होंगे समझते हैं हम कि इन दो के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया जब इन दो के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया तो असल में एक दो तीन और चार ये चार बॉन्ड कार्बन के पूरे हो गए तो फिर ये हाइड्रोजन इससे उतर जाएंगे हाइड्रोजन इससे उतरेंगे तो ये दो डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन तो यहां पे क्या हुआ सम ऑफ देयर कार्बन एटम्स आर डबल बॉन्डेड किसकी जगह पर hydrogen atoms. Hydrogen atoms इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हाइड्रोजन एटम्स इनसे उतर गए उनकी जगह इन प्लेस ऑफ उनकी जगह कार्बन एटम्स ने आपस में डबल बॉन्ड बना लिया तो अगर किसी फैटी एसिड के अंदर एक भी डबल बॉन्ड आ जाए

एंड ऑल अदर कार्बन आइटम्स आर बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन आइटम्स और सारे कार्बन आइटम्सिड सम कार्बन आइटम्स आर डबल बॉन्डेड कुछ कार्बन आइटम्स ऐसे हैं जो डबल बॉन्डेड है ट्रिपल भी हो सकते हैं लेकिन डेफिनेशन में, में लिख दिया डबल बॉन्डेड किसकी जगह पर इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स हाइड्रोजन आइटम्स उनसे उतर गए

वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर और ऐसे लिपिड्स को हम बोलते हैं फैट्स और ऐसे लिपिड्स जिनके पास फैटी फैट ज्यादा है लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर और इनको हम बोलते हैं ऑयल्स दोबारा से समझें लिपिड्स में फैटी एसिड्स हैं और ग्लिसरोल है फैटी एसिड्स दो तरह के सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड अब जो लिपिड होगा उसमें सैचुरेटेड भी होंगे फैटी एसिड अनसैचुरेटेड भी होंगे

ऐसा लिपिड है जिसमें फैटी ज्यादा अनसे फॉर समझ अब परसेंटुरेट फैटी है और 20 फैटी है, ये लिक्विड होगा एट रूम टेम्परेचर और इनको बोलेंगे ऑयल्स ठीक है जिस तरह अब सर्दियां आ रही हैं अब आगे महीना दिसंबर का है अब दिसंबर में नवंबर दिसंबर में आप क्या देखेंगे कि जब राशन आएगा घर का तो घी भी आएगा और ऑयल भी आएगा जो ऑयल का पैकेट है वो ऑयली होगा बेशक बहुत ठंड है लेकिन जो घी का पैकेट होगा वो बिल्कुल ईंट बनी होगी वो सख्त हुआ हुआ हार्ड हुआ हुआ तो वो जो घी का पैकेट रूम टेम्परेचर पे हार्ड हो गया सख्त हो गया ना इसका मतलब वो फैट है और जो ऑयली रहा वो क्या है ऑयल ठीक है इसका मतलब ये है कि जो जिनमें फैटी एसिड ज्यादा होंगे जिन लिपिड्स में वो सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे उनको बोलेंगे फैट्स उनको बोलेंगे घी और जो लिक्विड होंगे रूम उनको बोलेंगे ऑयल्स

फोर्थ आपने एग्जाम्पल दे देनी है बटर की सेवेंटी परसेंट सैचुरेटेड है थर्टी परसेंट अनसे हैं सनफ्लावर ऑयल की ट्वेंटी फाइव परसेंट सचुरेटेड है और सेवेंटी फाइव परसेंट अनसे ठीक हो गया तो ये हमारे लिपिड्स हैं लिपिड्स को तोड़ने से एनर्जी मिलती है हाँ मिलती है लिपिड्स के क्या फंक्शन है वो हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हैं लिपिड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की निस डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर है डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर है एक ग्राम लिपिड को तोड़ने से नाइन किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है एक ग्राम लिपिड को तोड़ने से नाइन किलो कैलोट एनर्जी होती है तो बच्चे कह रहे हैं सर ये आप कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है ये बेसिक एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट है ये सब कुछ ये तो एनर्जी तो, तो इसमें ज्यादा है तो आप इसको कही जा रहे हैं इसमें ये हम खाते ज्यादा है और ये हमारा मेन सोर्स है एनर्जी का और इसको खाने के नुकसान इसके नस्बत कम है और इसको इससे एनर्जी को निकालना इसको बॉडी में मेटाबोलाइज करना तोड़ना आसान है लिपिड्स को बॉडी में ब्रेक डाउन करना मुश्किल है

तो बनाने में रोल प्ले करती हैं इस तरह से चैप्टर नंबर फोर में आपने नर्वस टिश्यू पढ़ा था नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स होते हैं न्यूरॉन्स के पीछे एग्जॉन होती है एग्जॉन के ऊपर ना एक माइलिन शीत चढ़ी हुई होती है वो अगर आपने देखी है नहीं देखी तो वो आपकी बुक में डायग्राम बनी है नर्वस टिश्यू के अंदर न्यूरॉन की वो आप निकाल के देख लीजिएगा मैं यहाँ पे एक इमेज भी शो कर देता हूँ तो जो ये शीत है इस शीत के ऊपर ये के ऊपर कवरिंग हुई होती है ये जो शीत है इसने कवर किया होता है न्यूरोन को ये भी लिपिड से मिलकर बनी होती है इसका क्या फंक्शन होता है शीत का वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके अलावा हार्मोन्स आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो काम कर रहे हैं तो उसमें से प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि लिपिड्स से मिलकर बने हैं एनर्जी देता है नाइन किलो कैलरिज एनर्जी रिलीज होती है तो ये लिपिड्स के बारे में था लिपिड्स क्या है कि They are they are composed of fatty acids. Glycerin and fatty acids are, are of two types: saturated fatty acids, and unsaturated fatty acids. If all the carbon atoms are bonded to the hydrogen atoms and all are single bonds, no double or triple bonds, they are called saturated fatty acids. And if some of the carbon atoms are double bonded in place of the hydrogen, then they are called unsaturated fatty acids. The lipids containing saturated fatty acids are solid at room temperature, and the lipids containing unsaturated fatty acids are liquid at room temperature. Lipids containing saturated fatty acids are called ghee. एंड द लिप्विड्स कॉन्टेनिंग अनसर्टो फैटी एसड्स आर कॉल्ड ऑयल्स और फिर हमने एग्जाम्पल दे दी कि बटर की और सनफ्लावर ऑयल की और फंक्शन देश क्या है मेम्ब्रेन्स बना रहे हैं स्ट्रक्चर भी बना रहा है न्यूरॉन्स की शीत बना रहा है जो कि माइलिन शीत मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया था हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है किलो एनर्जी पर ग्राम प्रोड्यूस हो रही है क्या दूध से भी मिल रहा है बटर से भी मिल रहा है चीज से भी मिल रहा है कोकोनट से योगर्ट से 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 एग मटन फिश से ड्राई फ्रूट से मस्टर्ड सीड से ठीक है अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना वो लिखा हुआ है बुक में मिनरल्स अब मिनरल्स बुक में ना लिखा हुआ है और उसके बाद नीचे एक लंबा सारा बड़ा सारा ग्राफ टेबल बना हुआ है उस टेबल के अंदर उसने हर हर मिनरल का अलग अलग काम लिखा हुआ है वो भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं उसको हम थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ एक एक मिनरल को डिस्कस करते जाएंगे लेकिन अभी फिलहाल हम जनरल मिनरल्स को डिस्कस करने लगे हैं मिनरल्स एंड मादनियात ये सब बच्चों ने बार बार ये वर्ड सुना होता है मिनरल्स मादनियात मादनियात या मिनरल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो कि हमें जमीन से मिलते हैं जो कि हमें अर्थ से मिलते हैं हम अर्थ से निकालते हैं उनको ड्रिल करके या हमें मट्टी से वैसे मिलते हैं जो मिनरल्स हैं वो ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो हमें जमीन से मिल रहे हैं हमें मट्टी से मिल रहे हैं सॉयल से मिल रहे हैं वो हम ड्रिल करके लें, और में से निकालें जैसे भी तो अब सर हम मट्टी तो खाते नहीं सॉइल तो हम खाते नहीं तो मिनरल्स हमें क्यों चाहिए लेकिन ये ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, इनसे हमें एनर्जी तो नहीं मिलती लेकिन ये हमारी सेहत को हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं ये एलिमेंट्स हैं ऐसे एलिमेंट्स हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही असेंशियल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है वो बाद में बात होगी पहले जो मिनरल्स हैं इनको हम डेफिनेशन को देख लें वॉटर आर मिनरल्स मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं दैट ओरिजिनेट इन अर्थ जो कि जमीन से निकलते हैं जमीन से बनते हैं जमीन से हम लेते हैं जमीन से हासिल करते हैं दे कैन नॉट बी सिंथसाइज दे आर नॉट सिंथसाइज इन साइड द बॉडी हमारी बॉडी के अंदर हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो हम मिनरल्स बना नहीं सकते खुद से मिनरल्स हमें बाहर से ही लेनी पड़ेंगी जो कि हमें कहाँ से मिलेंगी जमीन से लेकिन मट्टी तो हम नहीं खाते जमीन को तो हम नहीं चाटते तो मिनरल्स हमें कैसे मिलेंगे जब प्लांट्स हैं वो सॉइल में ग्रो करेंगी तो प्लांट्स उन मिनरल्स को और उन न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेंगी तो जब उन प्लांट्स को हम खाएंगे तो हमारे अंदर मिनरल्स चले जाएंगे या जा फिर उन प्लांट्स को दूसरे एनिमल्स खाएंगे तो उनके पास मिनरल्स चले जाएंगे और उन एनिमल्स को हम खाएंगे तो हमारे तक आ जाएंगे इसी तरीके से पानी कहाँ से निकलता है जमीन के अंदर से तो पानी के अंदर भी डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं तो जब हम पानी पियेंगे तो हमें खुद ब खुद वो मिनरल्स मिल जाएंगे तो मिनरल्स कहाँ से मिल रहे हैं मिनरल्स का सोर्स क्या है

मेंटेन आर हेल्थ मतलब क्या है इस बात का जो मिनरल्स हैं इनमें हर मिनरल का अलग अलग काम लिखा हुआ है और हेल्थ में हमारी मेंटेन करने में क्या क्या रोल है वो अलग लिखा हुआ है वो बॉक्स के अंदर टेबल में वो आप रीड कर लीजिएगा मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि जो कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी में को फैक्टर के तौर पर एक्ट करते हैं जिस तरह चैप्टर नंबर सिक्स में एंजाइम्स में पढ़ा कि एंजाइम के पास एंजाइम खुद तो प्रोटीन है लेकिन एंजाइम के पास कुछ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो एंजाइम को अच्छा काम करने के लिए वर्क करने के लिए हेल्प करते हैं ऐसे कंपोनेंट्स जो एंजाइम को अच्छे तरीके से हेल्प करने के लिए अच्छे तरीके से वर्क करने के लिए हेल्प करते हैं ऐसे कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं को फैक्टर तो, तो हमारे बहुत सारे इनऑर्गेनिक मेटल्स आइंस हैं लाइक आयरन कॉपर मैग्नीशियम ये सारे को फैक्टर के तौर तो पर और इंजाइन को अच्छा काम करने में हेल्प करते हैं रोल प्ले करते हैं तो हमारी हेल्थ मेंटेन हो जाती है तो एनिमल से मिल गया प्लांट से मिल गया वाटर से मिल गया एक जिस तरह इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैंने बताया अनसेचुरेट में आता है उस तरीके से एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है जो कि मेजर और माइनर मिनरल्स में मेजर मिनरल्स क्या हैं और माइनर मिनरल्स क्या हैं जो माइनर मिनरल्स हैं उनको दूसरे को ट्रेस मिनरल्स भी कह सकते हैं ट्रेस का मतलब होता है कम ना होने के बराबर मेजर मिनरल्स नाम जाहिर है ज्यादा है जरूरी है इंपॉर्टेंट है मेजर मिनरल्स ऐसे हैं जो हमें डेली खुराक में ज्यादा चाहिए जिस तरह हमने माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिय की बात की थी कि माइक्रो न्यूट्रेस ऐसे हैं जो हमें ज्यादा चाहिए माइक्रो की ऐसे हैं जो हमें कम चाहिए लेकिन हमने कोई फिक्स वैल्यू नहीं फिक्स की थी कि इतने से ज्यादा हो या इतने से कम हो लेकिन यहां पर हम वैल्यू फिक्स कर देंगे मेजर मिनरल्स ऐसे मिनरल्स हैं जो हमें पर डे 100 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम से ज्यादा चाहिए ऐसे मिनरल्स जो हमें 100 मिलीग्राम या उससे ज्यादा चाहिए ऐसे मिनरल्स को हम बोलेंगे मेजर मिनरल्स क्योंकि हमें ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है पर डे रिक्वायरमेंट इनको खाने की इनको इनटेक करने की ज्यादा है कि, कि किस अमाउंट से ज्यादा है हमने वैल्यू फिक्स कर दी है किस अमाउंट से ज्यादा है हंड्रेड एम पर डे से ज्यादा है

सोडियम क्लोराइड इकट्ठा हो गया नमक में आता है कैल्शियम पोटासियम मैग्नीशियम ये तीनों ईशियम ईशियम इकट्ठे हो गए और फॉस्फोरस इस तरीके से याद कर लें और लास्ट में ट्रेस जो मिनरल्स हैं ट्रेस मिनरल्स एग्जाम्पल्स क्या है आयरन जिंक कॉपर क्रोमियम फ्लोराइड आयोडा आयोडीन भी कह सकते हैं आयोडाइड भी कह सकते हैं फ्लोराइड आपको पता है दांतों में ये टेबल में हर एक मिनरल का अलग अलग फंक्शन लिखा हुआ है कि किसका क्या फंक्शन है अब आयरन जिस तरह हीमोग्लोबिन में रोल प्ले करता है हीमोग्लोबिन बनाने में रोल प्ले करता है और हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन कार्बन को ट्रांसपोर्ट करती है आप लोगों ने पढ़ा है तो बच्चे कहते हैं सर ये आयरन जो है ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और आयरन की डेफिशिएंसी से बड़े लोगों को अनीनिया होता है तो ये ट्रेस मिनरल है जो मेजर और ट्रेस मिनरल है इसका मतलब ये नहीं है कि मेजर मिनरल ऐसा है जिसकी जो जिसका काम हमारी बॉडी में ज्यादा है और माइनर मिनरल ऐसा है जिसका हमारी बॉडी में काम नहीं है दोनों चाहे मेजर मिनरल्स हो चाहे ट्रेस मिनरल्स हो दोनों का ही हमारी बॉडी में फंक्शंस हैं और दोनों के बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ फर्क क्या है फर्क यह है कि मेजर मिनरल्स हमें ज्यादा क्वांटिटी में इंटेक करने पड़ेंगे और माइनर मिनरल्स मिनरल्स या ट्रेस हमें लेस क्वांटिटी में इंटेक करने पड़ेंगे जो लेस क्वांटिटी में चाहिए वो ट्रेस जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो मेजर जो हंड्रेड मिलीग्राम या उससे ज्यादा चाहिए वो मेजर जो हंड्रेड मिलीग्राम या उससे हंड्रेड मिलीग्राम से कम चाहिए वो ट्रेस अच्छा अब ये पक्का शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है डिफरेंशिएट बिटवीन मेजर एंड ट्रेस मिनरल्स तो जब ये आएगा तो बच्चे क्या गलती करते हैं बच्चे गलती करते हैं कि मेजर मिनरल्स हंड्रेड ग्राम लिख देते हैं मिलीग्राम की जगह गलत हो गया या यहाँ पर लेस लिख देते हैं या इतना ये नहीं लिखते पर डे तो अगर हम पर डे नहीं लिखेंगे तो रिक्वायर्ड मोर देन हंड्रेड मिलीग्राम भाई कितने अर्से में एक हफ्ते में एक महीने में एक साल में कितने अर्से में हंड्रेड मिलीग्राम चाहिए एक दिन में चाहिए तो पर डे लिखना बड़ा जरूरी है एक एमजी यूनिट याद करना है और एक पर डे लाजमी लिखना है कि एक दिन में हमें ये रिक्वायरमेंट है तो ये दोनों में डिफरेंस आता है इसको देख लेना है तो ये हमारे चार कंपोनेंट्स ऑफ फूड डिस्कस हो गए कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और लिपिड्स ये तीनों जिनसे हमें एनर्जी मिलती है और मिनरल्स हमने ऐसा डिस्कस किया जिससे हमें एनर्जी नहीं मिलती इसके बाद हमारा वाइटमिन है वाइटमिन के बाद वाटर है और सारे वो हम डिस्कस करेंगे इनशाला डिटेल में लेकिन इससे पहले ना वाइटमिन से पहले न, एक मिनरल्स के ही सब टॉपिक में एक हेडिंग दी हुई है रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन आयरन और कैल्शियम चूंकि इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमारी मिनरल के अंदर स्पेशल एक, एक टॉपिक दे दिया है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर यहां तक की बात क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर कोई बात पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में पूछ लें अपना ढेर सारा ख्याल रखें अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज